हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग और कम्युनिकेशन के बीच के डिफरेंस के बारे में। इसमें पहले हम क्या देखेंगे कि ब्रॉडकास्टिंग क्या है और कम्युनिकेशन क्या है और दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पहले बात कर लेते हैं ब्रॉडकास्टिंग के बारे में। तो हमको क्या पता है कि ब्रॉडकास्टिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट टू द डिस्पर्स ऑडियंस वाया एनी इलेक्ट्रॉनिक मास कम्युनिकेशन मीडियम। ब्रॉडकास्टिंग क्या है? ब्रॉडकास्टिंग किसी भी हम ऑडियो और वीडियो कॉन्टेंट या कोई प्रोग्राम को किसी भी डिस्पर्स ऑडियंस के पास जब हम ट्रांसमिट करेंगे किसी इलेक्ट्रॉनिक मास कम्युनिकेशन मीडियम के द्वारा, उसको हम बोलेंगे ब्रॉडकास्ट। और ये क्या है? ये यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ट्रांसमिशन सोर्स है वो सिर्फ ट्रांसमिट कर सकता है इन्फॉर्मेशन टू द मेनी यूजर्स, बहुत सारे यूजर्स के पास ये ट्रांसमिट कर सकता है, बट जो रिसीवर है वो सिर्फ रिसीव करेगा, वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। इसीलिए इसको यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। और इसमें होता क्या है कि जो एक मेन स्टेशन होता है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को और किसी भी प्रोग्राम को किसी एक यूजर के पास ट्रांसमिट नहीं करता है, ये ग्रुप ऑफ यूजर्स के पास ट्रांसमिट करता है। जैसे कि कोई FM स्टेशन है अथवा कोई टेलीविजन स्टेशन है जो कि अपना प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो उस चैनल को देखने वाले जितने भी लोग हैं उस सब वो प्रोग्राम सिमल्टेनियसली देख सकते हैं, उसी टाइम पे देख सकते हैं। इसलिए ये किसी एक यूजर के पास ब्रॉडकास्ट नहीं करता है बल्कि ग्रुप ऑफ यूजर्स पास ब्रॉडकास्ट करता है। और ये क्या करेगा, जो ब्रॉडकास्टिंग है वो सिर्फ ओपन इन डेस्टिनेशन को एड्रेस करता है। ओपन इन डेस्टिनेशन का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे डेस्टिनेशन। और इसका जो कम्युनिकेशन है इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग इज अ पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्टिंग क्या है कि एक पॉइंट से मल्टी पॉइंट के पास कम्युनिकेशन कर सकता है, इसलिए इसको पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन बोला जाता है। जैसे इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं सोर्स सिर्फ एक है और रिसीवर बहुत सारे हैं। जो बहुत सारे रिसीवर है वो क्या करेंगे, जब सोर्स कोई भी इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये जितने भी रिसीवर्स है वो सारे रिसीवर्स इसको रिसीव करेंगे जो इन्फॉर्मेशन सोर्स के थ्रू ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और इस फिगर में हम लोग क्या देख सकते हैं, ये एक टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का फिगर है। तो यहाँ से एक प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ये स्टेशन की भीतर की फोटो है। तो ये क्या कर रहा है, एक कोई प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, और जो अपने घर पे बैठे हुए लोग हैं जो अब टीवी पे ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो सारे एक ही समय पे इसका प्रोग्राम देख सकते हैं। अब चलिए कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशन हमको पता है कि एक्सचेंज ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन और बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर वाया ट्रांसमिशन मीडियम इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। यानी कि कम्युनिकेशन क्या है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हम जब सोर्स और रिसीवर के बीच में ट्रांसमिट करेंगे किसी मीडियम के द्वारा, तो उसको ही हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि सिंगल इंफॉर्मेशन सोर्स होता है और सिंगल रिसीवर होता है, क्योंकि जब जो इंफॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं वही इंफॉर्मेशन वो रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा। जब सोर्स कोई इन्फॉर्मेशन रिसीवर को भेजेगा तो रिसीवर इसमें क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है सोर्स को, जो कि हम इस फिगर से भी देख सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, सोर्स ने एक इन्फॉर्मेशन पठाई रिसीवर को, रिसीवर क्या किया, तुरंत रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ मैंने ये इन्फॉर्मेशन पा लिया। ऐसे ही इसमें क्या होता है, जनरली क्या होता है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए हमको चाहिए एक सेंडर चाहिए, एक रिसीवर चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करना चाह रहे हैं, जो मैसेज हम सेंड करना चाह रहे हैं, मैसेज चाहिए। इस केस में क्या होता है, जब ये जरूरी नहीं है कि जब सोर्स ने कोई भी इन्फॉर्मेशन सेंडर को रिसीवर को सेंड किया तो रिसीवर उसी समय रिस्पॉन्ड करें, हो सकता है बाद में भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि सोर्स जिस टाइम पे रिसीवर को अपना इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है उसी टाइम वो रिस्पॉन्ड है। जैसे कि सपोज हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं तो क्या करते हैं, व्हाट्सएप में हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन और मैसेज सेंड की रिसीवर को, तो रिसीवर क्या है, अगर उस समय पे वो ऑफलाइन है अथवा उस समय वो अपना मोबाइल नहीं देख पाया तो वो क्या करेगा, तभी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। जब वो अपना मोबाइल देखेगा और जब वो अपना व्हाट्सएप चेक करेगा तो उसको पता चलेगा, अरे किसी ने मुझको इन्फॉर्मेशन भेजी हुई है, उस टाइम पे वो रिस्पॉन्ड करके और उसका रिप्लाई बैक करेगा। इसीलिए कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ये जरूरी नहीं कि जो हमारा रिसीवर है वो एट द टाइम रिस्पॉन्ड करे, मगर रिस्पॉन्ड करेगा, जब भी वो देखेगा उसकी रिस्पॉन्ड हमारे पास आ जाएगी, हम समझ पाए जाएंगे कि इसने हमारे मैसेज को शो कर लिया है। अब इसके ब्रॉडकास्टिंग और कम्युनिकेशन के बीच का डिफरेंसेस देख लेते हैं। ये कुछ डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है। जैसे फर्स्ट तो डेफिनेशन हो गया, ब्रॉडकास्टिंग की बात कर लेते हैं, तो इट इज द
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडियो वीडियो कंटेंट टू द डिस्पर्स्ड ऑडियंस। ऐसे ही कम्युनिकेशन की बात कर लेंगे तो क्या होगा, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ऐसे ही ब्रॉडकास्टिंग को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन, सो सोर्स कैन ओनली ट्रांसमिट बट रिसीवर कैन नॉट ट्रांसमिट। हमको पता है कि इसमें सिर्फ सोर्स ही ट्रांसमिट कर सकता है ब्रॉडकास्टिंग के केस में। ऐसे ही कम्युनिकेशन क्या है, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया, इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों ट्रांसमिट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग को हम लोग पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, ऐसे ही कम्युनिकेशन को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। अब ब्रॉडकास्टिंग के एग्जाम्पल हो गए एएम एफएम ब्रॉडकास्टिंग हो गया, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हो गया। ऐसे ही कम्युनिकेशन के कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें टेली कम्युनिकेशन हो गया, मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया, ये सारे कम्युनिकेशन में पड़ेंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग के बीच का डिफरेंसेस। अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको हिट करिए। धन्यवाद।